वैसे तो सभी अपने घरों में अलग अलग तरीके से लौकी के कोफ्ता बनाते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से आप सबने कभी लौकी का कोफ्ता बनाया है? अगर नहीं तो ट्राई करिए। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज हम बनाएंगे लौकी का कोफ्ता। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। और पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस लाजवाब सी रेसिपी को चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है लौकी, तो मैंने आधा लौकी यूज़ किया है। इसे हम अच्छे से छील लेंगे लौकी को, तो पहले छील लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से आप छील लीजिए। और यहाँ पे मैंने इसको दो कट कर लिया है, और इसे हम लेंगे और एक ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। तो घिया कस लीजिए और इसको अच्छे से बारीक इसको घिस लेंगे हम, यानी कि ग्रेट कर लेंगे इसको अच्छे से। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सभी जो है वो लौकी को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, और इसे हम साइड रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक डालने से होता है कि कलर चेंज नहीं होता है, ये काला नहीं पड़ता है। तो नमक डाल दीजिए इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज डालेंगे, और प्याज इसी में हम डाल देंगे क्योंकि हम बाद में नहीं डालेंगे। बाद में डालने से अक्सर होता है कि पानी छूटने लगता है, तो प्याज को हम इसी वक्त डालेंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो लौकी का भी पानी निकल जाए और प्याज का भी सारा पानी निकल जाए। तो इस तरीके से हम इसको मिलाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो गया है, जैसे कि देख रहे हैं इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा इसमें छूट रहा है। तो इस तरह से दबाकर, हाथों से अच्छे से दबाकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे, लौकी के साथ साथ प्याज का भी पानी सारा निकल जाएगा। तो बाद में बहुत ही आसानी से हम बिना अच्छे से बिना पानी के हम इसमें अच्छे से हम इसको बना सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं इस तरह हम इसको हम दबाकर अच्छे से निकाल लेंगे हाथों से। तो आप लोग ने इस तरीके से नहीं बनाया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से। तो इसे हाथों से, इसको हाथ से नहीं तो आप रुमाल में भी डालकर इसको सारा पानी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं सारी सभी मैंने पानी निकाल लिया है लौकी में से, जैसे कि देख रहे हैं सारा पानी निकल गया है। ये जो लौकी का पानी है ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी हो जाता है। अगर ये कड़वा नहीं है तो आप इसे ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ग्रेवी में डालेंगे तो आप नमक ना डालें, क्योंकि इसमें बहुत सारा नमक है। इसके बाद हम इसे साइड करेंगे पानी को, और इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और फिर इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ हम डाल देंगे हरा मिर्च। तो ये तीखा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसे डाल देंगे हरा मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन डाल देंगे। तो बेसन मैंने लिया है 5 चम्मच लिया है, तो यहाँ पर हम 5 चम्मच डाल देंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेसन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने 5 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दही। कोफ्ते में आप जब दही डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खट्टापन आ जाता है इसके अंदर, तो इससे इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप लोग ज़रूर डालें। तो मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच दही डालूंगी, और दही डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब डालेंगे इसके अंदर हम तेल, और तेल डालने के बाद डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है अजवाइन। तो वो अजवाइन लेंगे और इसे हाथों में डालकर अच्छे से क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग ज़रूर डालिए अजवाइन जब आप लौकी का कोफ्ता बनाते हैं, तो उस वक्त आप ज़रूर डालें, आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है लौकी का कोफ्ता में। तो इसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, या फिर आप हाथों से मिक्स कर लें या फिर चम्मच से। और जैसे कि देखा है आप सबने कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो हमने स्टार्टिंग में ही नमक डाला है अच्छे से। तो अगर आपको कम लगे तो आप लास्ट में आप डाल सकते हैं, मिक्स करने के बाद डालिए। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, और तेल भी मैंने हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया था पहले ही, हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके सभी कोफ्ते को हम डाल देंगे। तो इस तरह से आप गोल गोल कोफ्ता बना लीजिए, और इसे हम इस तरह से बनाकर डाल देंगे इसमें। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए, और जैसे कि देख रहे हैं सभी कोफ्ते को डाल देंगे, और इसे हम 5 मिनट के लिए एक साइड हम इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं टाइम हो गया है 5 मिनट के करीब, और इसे हम पलट लेते हैं। तो कोफ्ता में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करें कोफ्ता को, और दूसरी साइड भी इसे हम इस तरह से कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे कोफ्ता को। तो फ्रेंड्स आप लोग ट्राई करिए इस तरह से, और आप लोगों को बेहद पसंद आएगी, और बहुत ही एकदम लाजवाब सी रेसिपी है ये। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा यहाँ पे लौकी का कोफ्ता। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, थोड़ी सी अच्छे से इसको क्रिस्पी करके इसको फ्राई करिए, नहीं तो ग्रेवी में जाने के बाद ये जो होता है कि कोफ्ता ना टूटने लगती है। तो आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से एकदम क्रिस्पी करके इसको बनाएं अच्छे से एकदम, जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से एकदम इस तरह से। आप हमने सभी कोफ्ते को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसे हम एक प्लेट में अच्छे से हम निकाल लेंगे, और जैसे कि देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, इस तरह से क्रिस्पी बनकर रेडी है। और जो तेल है हम उसमें से
निकाल कर उसी हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो मैंने तेल को निकाल लिया है, इसमें हम डालेंगे हल्का सा यानी 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर हम जीरा, और इसके बाद हम डालेंगे 1 पिंच के करीब डालेंगे इसके अंदर हम हींग, और इसके बाद हम डालेंगे चॉप किया हुआ हरा मिर्च डालेंगे इसके अंदर। आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे तीखा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे हम 2-3 सेकेंड के लिए भून लेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डालेंगे और इसे हम 1 मिनट के करीब भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन जो है वो चला जाए और अच्छे से भून जाइए। तो 1 मिनट हो गया है, अब ये भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। तो मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है, तो मैंने 3 बड़े प्याज का पेस्ट बनाया है और वो डालेंगे इसके अंदर। अब इसे भी हम कलर आने तक भून लेंगे अच्छे से, पानी सूख जाए इसका। तो जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से प्याज जो है भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। तो बस हमें यही मसाला डालना है, ज़्यादा कुछ मसाला की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बस इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम मसालों को इसमें हम डालेंगे। जैसे कि देख रहे हैं मिक्स हो गया अच्छे से, तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी, तो मैंने 3 बड़े टमाटर को प्यूरी बना लिया है, वो डालेंगे इसके अंदर। टमाटर प्यूरी डालने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे हम, और 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे। तो मैंने पहले से ही दही में इसमें दही लिया है, और दही में हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर, और इन सभी को डालकर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये दही को डालेंगे इसके अंदर, और डालने के बाद अच्छे से इसको मिलाएंगे। और जैसे कि देख रहे हैं आप, ये डालेंगे तो आपका जो ग्रेवी का जो स्वाद है वो बहुत ही एकदम बढ़ जाता है। तो आप लोग ज़रूर डालें इस तरीके से, आप मिक्स करके डालें, और दही का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी में। तो डालिए और आपको बेहद पसंद आएगी रेसिपी। और इसे डालकर हम करीब 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक तेल जो है हमारा सेपरेट ना हो जाए। तो अच्छे से इसको भूनेंगे जैसे कि देख रहे हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक ने हमने अभी तक हमने नहीं डाला है, तो अब डाल देंगे इसके अंदर नमक, और नमक डालकर इसको हम भूनेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं इसे। जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से ये जो है मसाला वो अच्छे से भून गया है, तेल भी है जो किनारे में दिखने लगा है, तो अच्छे से मसाला भून गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो मैंने पहले भर के इसमें 1 कप के करीब पानी डाला है। तो ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही जल्दी सूखने लगता है जब कोफ्ता जब इसमें डालेंगे, तो इसके लिए आप पानी हो सके तो ज़्यादा डालें। तो मैंने पूरा भरकर 1.5 कप पानी लिया है। तो इसमें डालने के बाद, पानी डालने के बाद इसमें 1-1 करके सभी कोफ्ता को हम डाल देंगे, और इसे ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे लो फ्लेम पे आप इसे ढक कर रख दीजिए करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए। और जैसे कि देख रहे हैं 1.5-2 मिनट हो गया है, और ग्रेवी भी जो है वो गाढ़ी हो गई है इस तरह से, जैसे देख रहे हैं अच्छे से पक चुका है। बस अब इसे गैस बंद करेंगे और इसे हम एक बोल में सर्व करेंगे। तो देख रहे हैं ग्रेवी बहुत अच्छे से एकदम गाढ़ी हो गई है, इसे ज़्यादा हम नहीं सुखाएंगे, तो बस एक बोल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप लोग अपने घरों में, बहुत ही टेस्टी सा एकदम लौकी का कोफ्ता इस तरीके से बनाइए और इन्जॉय करिए अपने घर में। सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी, आप लोग ट्राई करिए और बेहद पसंद आएगी। और थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसको गार्निश करिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।